हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मिथुन कुमार और आज हम पढ़ेंगे क्लॉक, जो कि हम पहले वाले वीडियो में पढ़े थे दर्पण प्रतिबिंब निकालना। आज हम पढ़ेंगे मान लीजिए 7:15 हो रहा है, इसका घंटे और मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो आइए हम पहले पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, ये है मेरा पहला प्रश्न। 4:10 यानी घंटे और मिनट की सुई कितनी डिग्री का कोण बनाएगी। तो सबसे पहले इसको आप देखिए, इसका सूत्र होता है 60 × घंटा, ठीक, माइनस ग्यारह गुना मिनट, ठीक, बटे टू, ठीक। देखिए 60 दे दिए, या घंटा कितना दे रहा है, 4, तो 4 लिखेंगे, माइनस 11 दे दिए, ठीक, 11, अब बोल रहा है मिनट, तो मिनट 10/2, ठीक। इसको करिए आप, 6×6=24, ठीक, माइनस 11×2=110, ठीक, बटे टू। अब आप इसको घटा लीजिए, देखिए इधर हम कर रहे थे 0, 4 में से 3, ठीक, 2 में से 1, अब इसको काट दीजिए, 2×6=12, 2×5=10, यानी ये 65 डिग्री का कोण बना रही है। तो आइए हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। यह देखिए मेरा दूसरा प्रश्न, ठीक, 2:40 यानी घंटे और मिनट की सुई कितनी डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक। तो देखिए इसको तो आप सबसे पहले कर लीजिए, 60 × घंटा 2 दिया है, माइनस 11×मिनट/2, ठीक। अब देखिए 6×12 यानी 120, माइनस 11×44, ठीक, 0, फिर 2, अब इसको आप घटा लीजिए, 0, फिर 4 में से 2 गया 2, फिर 4 में से 1 गया 3, ठीक, 2, यानी 2×1 2×6=12, 2×5=10, यानी 2 0 160 आ गया, ठीक। ये आ गया छोटा कोण, ठीक। अगर आपसे पूछ ले बड़ा कोण बताइए, तो क्या करिएगा, इसको आप सबसे पहले 360 में से 160 घटा दीजिए, ठीक। देखिए 0, फिर 0, 3 में से आया था 2, यानी 200 डिग्री का ये बड़ा कोण बन गया, ठीक। तो आइए हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आइए देखिए मेरा तीसरा प्रश्न, ठीक। देखिए इसको आप कर लीजिए पहले, 60 × घंटा माइनस, आज हम टाइप 1 का बात कर रहे हैं, यानी टाइप, ठीक, सिर्फ टाइप 1 ही पढ़ाएंगे, उसके बाद दूसरा वीडियो में भी बताएंगे हम। 60 × घंटा माइनस 11 × पहले सूत्र लिख देते हैं, ठीक। देखिए 60 × घंटा माइनस 11 × मिनट, ठीक, मिनट 2, ठीक। देखिए 7 दे रहा है, 60 × घंटा यानी 7 घंटा हो गया, माइनस 11 × मिनट कितना है, 20/2, ठीक। इसको आप कर लीजिए, 6×7=42 माइनस 11, ठीक, नहीं 11 है, 11×2=22, ठीक। देखिए 0, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 2 गया था 2/2, अब इसको काट लीजिए, 2×1 0 0, ये आ गया छोटा कोण। अगर आपसे पूछ ले कि बड़ा कोण बताइए, तो बड़ा कोण निकालने के लिए इसको 360 में से घटा देंगे, जो मेरा छोटा कोण आया 360 में से घटा देंगे, तो ये मेरा आ गया बड़ा कोण, ठीक। देखिए 0, इसमें माइनस डिग्री नेगलेक्ट कर दिया जाता है, ठीक ना, 6×3 में से आया था 260 डिग्री, ये हुआ बड़ा कोण, ठीक। अब ये मेरा ख़त्म, ठीक। आइए हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ये है मेरा चौथा प्रश्न, देखिए क्या करें, यानी दिया है 7:46 × 4/11, इसको आप कैसे हल करिएगा, वही सूत्र पे करिए, ठीक। देखिए 60 × घंटा माइनस 11 × मिनट/2, इसको आप बैठा दीजिए, देखिए 60 × घंटा 7, ठीक, माइनस 11 × मिनट, देखिए कैसे लिखिए आप, इसको इससे गुना करके फिर से जोड़ दीजिए, ठीक, पूर्णांक तोड़ दीजिए, ये देखिए 6 0 5 और प्लस 4 कितना आया, 510/11 भी है, ठीक, 11 से 11 हम काट दिए, ठीक। देखिए 6×7=42 माइनस 510/2, इसको घटाइए आप, बराबर में 0, 5 में फिर 11 में से 2 गया तो 9, 4 में से 4 गया 0, यानी आप 200 काट दीजिए, 2 से 2 मरते पर 45 डिग्री, आ गया ये हमारा छोटा कोण। अगर आपसे पूछे छोटा कोण, तो यही मार दीजिए, ठीक।
अगर आपसे बड़ा कौन पूछ ले, इसको कुछ नहीं, यहाँ हम कर लेते हैं ठीक, 360 में से 45 घटा दीजिए ठीक। देखिए पाँच पाँच में चल रहे थे एक, यानी 315 डिग्री, ये हमारा बड़ा कोण आ गया ठीक। अब ये मेरा समाप्त हो गया ठीक। आज हम पढ़ लेते हैं अब जल प्रतिबिंब के बारे में कुछ प्रश्न पढ़ लेते हैं ठीक। देखिए जल प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं, इसको आप 18:30 से घटा दीजिए, कोई भी समय दे दो ठीक, हम घटाते हैं। देखिए 12:15 हो रहा है ठीक, इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, यानी 18:30 से घटा दिए ठीक, 15 ठीक और 6:15 इसका वास्तविक समय है ठीक। देखिए अगर आपको दे दिया रहा है कि 2:20 हो रहा है, इसमें जल प्रतिबिंब क्या होगा, इसको आप 18:30 से घटाइए ठीक, 2:20 यानी 10 तो 16 यानी 16 कितना हुआ 4:10 ठीक। अगर आपको मिनट इधर जला देते क्या करिएगा, देखिए अभी हम वो भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको इधर मिनट दिया रहे ज्यादा, देखिए 8:42 इधर दे दिया तो क्या करिए बताइए, देखिए इसको 1 इधर दे दीजिए यानी 60 इसमें जोड़ दीजिए ठीक। अब हो गया कितना 18:90 ठीक, इसको आप 8:42 से घटा दीजिए ठीक, 8:48 ठीक, 10 ठीक, यानी 10:48 ठीक। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, तब तक लिए जाएंगे।